है. तो जो फर्स्ट टॉपिक माइक्रो में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन सी बुक हमें रेफर करनी चाहिए फॉर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम और कितना डिफरेंस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है और जामिया का जो एग्जाम है. नाउ इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर पूछे गए थे फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड फॉर जामिया. बट उससे पहले कुछ क्वेरीज आई थी मेरे पास, तो पहले मैं उनको क्लियर कर दूं, उसके बाद वी विल मूव टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स. सो जो फर्स्ट क्वेरी आई थी मेरे पास वो ये थी कि क्या वन मंथ के अंदर प्रिपरेशन हो सकती है. तो येस, ऑफकोर्स वन मंथ के अंदर बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस इंसान ने एक साल से या फिर छह महीने पहले से वो प्रिपेयर करता आ रहा है, तो मे बी उसने इतना टाइम ना डिवोट किया हो और वो हर दिन हो सकता है 15 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर या फिर वन आवर उसको दे रहा हो एग्जाम को. बट राइट नाउ क्योंकि आपके पास सिर्फ वन मंथ है, तो आपको एटलीस्ट 2 आवर्स तो देने हैं ताकि जो भी सिलेबस है या फिर जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका वो कवर हो जाए. नाउ एक और क्वेरी थी कि क्या विदाउट प्रिपरेशंस, क्या बिल्कुल कुछ भी ना आता हो हमें और हम जाएं और पास होके आ जाएं? तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत प्रिपेयर करते हैं लोग. कुछ लोग तो कोचिंग्स भी लेते हैं इसके लिए और एक नहीं दो दो तीन तीन कोचिंग वो ज्वाइन करते हैं ताकि उनका जो ये एग्जाम है वो क्लियर हो जाए. तो ये कहना कि बिना प्रिपेयर किए जाना और आपका एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग बहुत प्रिपेयर करते हैं, बाकी लोग बहुत प्रिपेयर करते हैं और उनके प्रिपरेशन से आपका भी जो रिजल्ट है वो इफेक्ट होगा. नाउ अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी आपका कोई सीनियर था और आपने उससे पूछा है कि भाई आपका बिना प्रिपरेशन के हो गया था और उन्होंने हाँ कहा है आपसे, तो आप ये मत समझो कि उन्होंने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया. अगर उनका एडमिशन हुआ है तो जरूर उनके जो कॉन्सेप्ट थे ग्रेजुएशन के टाइम उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होगी, 11th और 12th के टाइम उन्होंने अच्छे से पढ़ाई होगी, तो उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे. आप एकदम डायरेक्ट उनको अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते हो. और ना ही मैं ये कह रही हूं कि 2 घंटे हर कोई इंसान को लेना चाहिए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी क्या है, रिटेंशन कैपेसिटी क्या है और कितना आपको जो पहले का कॉन्सेप्ट था कितना आपको याद है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए. नाउ जो नेक्स्ट क्वेरी थी वॉज अबाउट करंट अफेयर्स, कि करंट अफेयर्स किस तरीके से हम प्रिपेयर करें फॉर दिस एग्जाम. तो सबसे जो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो करंट अफेयर्स है वो ऐसे ही किसी रैंडम टॉपिक से नहीं आते. जो भी करंट अफेयर आते हैं वो कॉमर्स रिलेटेड टॉपिक से ही आते हैं. कोई बिजनेस डील हुई है या फिर कोई टैक्स स्लैब में चेंज आया है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट जो एग्जाम पैटर्न रहा है उसके अंदर. नाउ फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी बजट आया है इस बार, बेशक इंटरिम बजट, आप उसको अच्छे से एक बार देखो और चेक करो कि अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कोई चेंज आया है या फिर कोई टैक्स स्लैब चेंज हुआ है, तो आप उसको अच्छे से याद कर लो. बाकी कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है. एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, फिशिंग में, एक्सपोर्टिंग में, इम्पोर्टिंग में, कुछ भी मत देखो. बट जो टैक्स रिलेटेड एस्पेक्ट है आप उसको चेक करो कि क्या कुछ न्यू स्कीम आई है कॉमर्स रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके लिए या फिर एमएसएमई के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. और एक और कि ये ऐसे भी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं कि सपोज कोई स्कीम थी वो 4 महीने या 5 महीने पहले लॉन्च हुई और आपको इस बार वो उसकी डेट पूछेंगे. जब 2-3 साल कोई स्कीम पुरानी हो जाती है ना, उसके बाद वो आपसे डेट पूछते हैं. जैसे कि 2018 के क्वेश्चन पेपर में इन्होंने पूछा था कि मेड इन इंडिया जो कैंपेन था वो कब लॉन्च हुआ था, किस ईयर में लॉन्च हुआ था, तो उन्होंने ऑप्शंस दे रखे थे 14, 15, 16, 17. नाउ वो हुआ था, आई गेस 14, 15 के टाइम पे वो लॉन्च हुआ था और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है 18 के टाइम पे, तो लोग भूल जाते हैं कि भाई कौन सा ईयर था, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है. ऐसे ही लास्ट ईयर जामिया के जो क्वेश्चन पेपर था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि जीएसटी कब लॉन्च हुआ था, तो जीएसटी लॉन्च हुआ था 2017 1st जुलाई. नाउ अब वो उन्होंने पूछा है 2019 के अंदर, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई 1st अप्रैल तो नहीं था, क्योंकि 1st अप्रैल से यूजली न्यू जो सेशन है फाइनेंशियल सेशन है वो स्टार्ट होता है. तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो आपसे ऐसी चीजों की डेटे उसी वक्त नहीं पूछते हैं. तो आपको वो वाली डेटे याद करने की जरूरत नहीं है जो करंटली अगर कोई कैंपेन वगैरह आया है, तो उनकी आप डेट्स अभी मत याद करना. पर जो चीज मिस आउट हुई है अभी तक जो 2-3 सालों में, आई गेस कि डीमोनेटाइजेशन का क्वेश्चन आ सकता है कि डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था. अगर वो डेट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, तो 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था
तो हो सकता है कि इस साल वो क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ना तो ये पहले जामिया में पूछा गया है और ना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछा गया, और इसको अभी एक दो साल हो गए हैं, तो चांसेस हैं कि कुछ लोग डेट भूल गए हों, या फिर वो इस तरीके के आपको जो ऑप्शंस है ऐसे देते हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हो. नाउ अपार्ट फ्रॉम द बुक दैट आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो, मैंने कुछ और भी बुक्स रेफर की थी, क्योंकि एक बुक के भरोसे आप थोड़ा सा नहीं बैठ सकते हो. अगर आपको पता भी है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है प्रिपेयर करने के लिए, फिर भी आपको ऐसा लगता है खुद को ही कि कुछ चीज रह ना जाए हमारी, तो कुछ और भी बुक्स थी जो मैंने रेफर की थी. वो मेरे भाई की 12th क्लास की बुक रखी हुई थी, मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे फॉर इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन आई हैड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी माइक्रो एंड मैक्रो मैंने किया था. देन ये सीबी गुप्ता की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये मेरी बुक नहीं थी, मेरी फ्रेंड की बुक थी, उसने मुझे दी थी, तो मैंने इसमें से प्रिपेयर कर लिया था. नाउ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने ये वाली बुक ही स्पेसिफिकली क्यों ली थी, क्योंकि इसके अंदर हर चैप्टर के बाद ना कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं जितना भी पढ़ती थी तो उसके बाद मैं देखती थी कि मेरे को कितना याद है. तो मैं आपको भी वही सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ पढ़ते ही मत रहना कि आप सुबह से शाम पढ़ रहे हो और जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको याद ही नहीं रहा. आपको अपने आप को टेस्ट करना भी जरूरी है. जो बुक मैंने आपको पहले बताई थी फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, फर्स्ट वीडियो में जो बताई थी मैंने, उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, लाइक इकोनॉमिक्स के कुछ 300-400 क्वेश्चन दे रखे हैं. ऐसे ही बिजनेस और बिजनेस मैथ्स और स्टैट्स के लिए भी उन्होंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं. तो इतने सारे क्वेश्चंस जब आपके पास हैं तो आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो. मैं 100 क्वेश्चंस लेती थी और उसके बाद मैं चेक करती थी कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे सही जा रहे हैं. जैसे क्योंकि आपको रहता है ना कि आप चलो इसमें एक गेस कर लेती हूँ, क्या कुछ डिफरेंस थोड़ी ना हो जाएगा एक नंबर से या फिर दो नंबर से. तो मैंने ये चीज नोटिस की थी कि जब मैं कुछ ज्यादा ही गेस वर्क कर रही थी तो मेरा जो स्कोर था वो काफी डाउन चला जाता है. और ये चीज जब आप खुद देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आप सही तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर देते हो बट आपका रिजल्ट खराब होता है क्योंकि आप गेस वर्क भी और ज्यादा करते हो. तो आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आपने एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस, आपको पता है कि मेरे 60 क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं, और फिर आपका मन कर रहा है थोड़ा बहुत गेस वर्क करने का, गेस वर्क का भी ये मतलब नहीं है कि आप उसके बाद 60 क्वेश्चन सही करने के बाद 40 क्वेश्चंस में गेस वर्क लगाओगे. आपको सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्क्स कट भी रहे. तो अगर आपने सपोज 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आपको पता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं मेरे वो बिल्कुल सही हैं, उसके बाद आप गेस वर्क अप्लाई कर सकते हो. आप 5-6 क्वेश्चंस में गेस कर सकते हो. तो अगर वो सारे क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे, सपोज आपने 6 क्वेश्चंस किए गेस और वो 6 क्वेश्चंस गलत हो गए, तो आपका स्कोर ज्यादा डाउन नहीं जाएगा, 240 की जगह वो 234 हो जाएगा. तो इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा. पर अगर आप सोच रहे हो कि भाई 60 क्वेश्चन सही हो गए, अब 30 क्वेश्चन कर लेता हूं, और बहुत चांसेस होते हैं कि वो सारे ही गलत हो गए सपोज, तो वो 30 के 30 आपके जो मार्क्स थे वो चले जाएंगे. तो गेस वर्क ज्यादा मत करना, और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी रहे हो ना तो आप मार्क कर सकते हो. जैसे अगर जहां पे भी आपने गेस किया है आप उस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए जरूर मार्क कर देना, वरना लास्ट में फिर आपको याद नहीं रहता कि कौन सा वाला मैंने गेस किया है और कौन सा वाला क्वेश्चन जो है वो मेरा सही था. नाउ मूविंग ऑन टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स. तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ. मैंने लास्ट टाइम भी आपको आई गेस बताया था कि सपोज इकोनॉमिक्स है आपका, तो इकोनॉमिक्स आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो मैक्रो एंड देन यू हैव इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी से लास्ट 2-3 सालों से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उसको साइड में छोड़ सकते हो. 2019 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं था इंडियन इकोनॉमी से. और अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो आप 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक रेफर कर सकते हो. पर माइक्रो और मैक्रो में से क्वेश्चंस आते हैं. लास्ट ईयर भी माइक्रो में से अराउंड 13-14 क्वेश्चंस आए हैं. अब 13-14 क्यों बोल रही हूं मैं, स्पेसिफिक नंबर इसलिए नहीं बता रही हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो थे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, पर आप वो माइक्रो की बुक में भी कुछ फॉर्मुलेस बता रखे हैं, आप उनसे भी उनको सॉल्व कर सकते थे और आप थ्रू डिफ्रेंसिएशन भी उनको सॉल्व कर सकते थे. तो या तो आप उसको बिजनेस मैथमेटिक्स में कंसिडर कर लो या फिर आप उसको इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर कर लो, वो आपकी मर्जी है. तो जो फर्स्ट टॉपिक माइक्रो में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन चैप्टर आप अच्छे से रट लेना क्योंकि ये बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. प्रोडक्शन वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और लास्ट टाइम भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अराउंड 5-6 क्वेश्चन प्रोडक्शन से ही थे. इसमें आपका रिटर्न्स टू स्केल और क्या कहते हैं इकोनॉमीज
और प्रोडक्शन के बारे में, जो कॉप डॉगलस फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं आपका. फिर जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एक कॉन्सेप्ट था, उसमें से एक क्वेश्चन आया था. तो प्रोडक्शन वाला टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स. आप इसके लिए या तो जो मैंने बुक्स बताई आप उसमें से कर लो, माइक्रो की बुक भी आप कोई भी पिक कर लेना, आपके पास ट्वेल्थ की बुक रखी होगी, नहीं तो किसी इलेवेंथ क्लास के स्टूडेंट से आप पूछना, उसके पास माइक्रो की बुक होगी तो आप वो लेना और प्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से कर लेना. अपार्ट फ्रॉम दिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से कुछ क्वेश्चंस थे और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से कुछ क्वेश्चंस थे, और सप्लाई कर्व के बारे में एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि मतलब कौन से केस में सप्लाई कर्व जो है वो मूव करेगा टूवर्ड राइट. तो इसी तरीके से हो सकता है कि वो आपसे डिमांड के लिए भी पूछ लें. ये स्पेसिफिकली मैं आपको 2019 का बता रही हूँ. उसके बाद जो एक क्वेश्चन था, एक मिनट आई विल टेल यू. हाँ, उसके बाद रिलेशनशिप आपको याद होनी चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, इस टाइप से जितने भी ये कॉस्ट है आपके, सॉरी एवरेज मार्जिनल नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है आपका, इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप है. तो अगर आपको वो पता होगा तो आप जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो इजिली. ऐसे ही रेवेन्यू का कोई क्वेश्चन इस बार नहीं था, बट ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं. तो आप रेवेन्यू वाले चैप्टर के भी जो रिलेशनशिप है आप उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको काफी उसमें हेल्प मिल जाएगी. उसके बाद हम बात करते हैं मैक्रो की. तो मैक्रो में एक टॉपिक है ISLM कर्व. ये मैंने स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा था ग्रेजुएशन के टाइम पे, मैंने इकोनॉमिक्स नहीं ली थी ना माइक्रो, और मैक्रो थी मेरे पास पर मैंने इतने अच्छे से चीजों को नहीं पढ़ा था, और मुझे पता भी नहीं कि ग्रेजुएशन के टाइम पे ISLM कर्व है या फिर नहीं है. आप अलग से ISLM कर्व या तो गूगल कर लेना, नहीं तो मैं आपको जो मेरे नोट्स थे वो बता सकती हूँ. तो उससे आप पढ़ना, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ISLM कर्व के आते ही आते हैं मैक्रो में, तो आपको वो वाला पार्ट जरूर करना है. उसके बाद जो 2018 था उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हम फाइंड आउट करते थे NNP एड फैक्टर कॉस्ट या फिर इस टाइप से, तो उन्होंने एक इजी सा क्वेश्चन दे रखा था. क्वेश्चन नहीं याद पर वो कुछ इस टाइप से था कि अगर आप NNP एड फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दोगे तो व्हाट विल यू ऑब्टेन. तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. बजट में से गवर्नमेंट बजट करके, आई गेस वो 8th चैप्टर था 12th में हमारा, उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, मतलब 2018 में जो क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि जो क्वेश्चन था वो ये था, इनकम टैक्स इज ए, और फिर ऑप्शंस दे रखे थे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बोथ या फिर नन ऑफ दीज. तो 2018 में ये क्वेश्चन आया था. 2019 में उन्होंने ये पूछा, इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव, कुछ इस टाइप से उन्होंने ऑप्शंस दे रखे थे. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर वो आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स. तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो गवर्नमेंट बजट जो चैप्टर था वो आप कर लेना. एग्रीगेट डिमांड हो गया, और ये वाले जो कुछ पार्ट हैं. फिर एक फ्लिप कर्व है, वो मैंने नहीं पढ़ा था, तो आप पढ़ लेना. फ्लिप कर्व से भी एक क्वेश्चन आया है. देन सप्लाई कर्व से भी एक क्वेश्चन आया था. फिर है एग्रीगेट डिमांड और रियल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. जो मैंने ये आपको बुक्स बताई थी, दिस इज माइक्रो, इसके अंदर ना काफी एक्स्ट्रा चीजें भी दे रखी हैं, हॉट्स और अलग अलग पार्ट के थ्रू काफी सारी चीजें इन्होंने दे रखी हैं, और वो आपका ट्वेल्थ के टाइम तो आपको काम नहीं आएगी, पर जितना मैंने नोटिस किया वो मेरे को इस एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आई, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा चीजें इन्होंने दे रखी थी वो सही में काफी यूजफुल थी मेरे लिए. ओके, तो एज आई हैव सेड कि माइक्रो और मैक्रो में से ही क्वेश्चंस आए हैं. जामिया के अंदर आपके मैक्रो से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, और टोटल क्वेश्चंस ही कुछ 6 से 7 क्वेश्चंस ही आए थे. तो आप मैक्रो पे ध्यान देना फॉर जामिया. नाउ आज के लिए इतना ही. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू मोर अबाउट बिजनेस मैथ्स और स्टैट्स, और साथ में अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर अकाउंटिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं. तो टिल देन प्रिपेयर वेल, स्टे सेफ एंड थैंक यू.